बस वाले ने किया ना, पहले हमें 6:30 बजे से मैं गाड़ी में बैठी हूँ और उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार दिया। सब हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं जा रही हूँ शूट पे भवाली, और देख लो कितना अंधेरा हो रहा है चारों तरफ, और ना अभी सुबह के 6 बजने वाले। मैं सोची कि थोड़ा उजाला उजाला सा होने दूंगी तब जाऊंगी, क्योंकि ऊपर रोड को सुनसान रास्ता है और बाघ का भी डर लगता है। तो इस ठंडी इतनी हो रही है ना, इतनी गजब की। वैसे इस बार पहाड़ों का मौसम सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा लगा रहता है, उससे ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस बार थोड़ा कोहरा कम लग रहा है, क्योंकि अब तो जनवरी का मतलब अब तो न्यू ईयर ही आने वाला है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मतलब मुझे अकेले जाना है, तो पहले मुझे बस स्टैंड जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से बस लेनी पड़ेगी। तो शूट में जा रही हूँ मैं भवाली, और भवाली आने वाले दीपक भैया लोग। जो हमारा पिछला शूट अधूरा हुआ था उसे पूरा करना है, और दूसरे गाने की भी स्टार्टिंग करनी है, और कुछ बात करनी है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता आज का व्लॉग। तो थोड़ा उजाला उजाला सा होगा तब मैं यहाँ से जाऊँगी, तब तक का थोड़ी देर बैठ करके आग सेकते हैं यहाँ पे। तो तब तक बैठ के आग सेकेंगे, क्योंकि अभी चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और कोई मेरे साथ है नहीं, तो इसलिए साथ तो कोई है नहीं, अकेले ही जाना है। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि थोड़ा उजाला उजाला हो जाएगा तब जाऊँगी, तो थोड़ा लोग भी वहाँते हैं, तो थोड़ा सा मतलब साथ साथ जैसा हो जाएगा, तो इसलिए। तो चलते हैं, थोड़ा उजाला होता है और देखते हैं कैसा रहता है आज का व्लॉग, दिखाते हैं आपको। तो अभी मैं आ गई हूँ घर से, और चारों तरफ उजाला हो गया हल्का हल्का, उधर साइड को थोड़ा कोहरा लगा हुआ है। चलते हैं, और अभी कुछ कुछ लोग ही आए हुए हैं, मतलब भीड़ भाड़ कम है रोड में। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुँच गई हूँ अपनी शूट की लोकेशन पर, और यहाँ से पूरा देखो भीमताल दिखाई दे रहा है। वो उधर भी है भीमताल की ताल, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, चारों तरफ इतना सुंदर दिख रहा है। तो ये है हमारा रूम, यहाँ फटाफट चेंज करना है। पहले व्लॉग बाद में, नहीं नहीं पहले चेंज बाद में व्लॉग, उल्टा बोल रही हूँ मैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देर हो गई है। वैसे भी मुझे सुबह गाड़ी के चक्कर से, सुबह गाड़ी वाले से मतलब गाड़ी वालों से तो भरोसा ही उठ गया है मेरा, ऐसा कितने बार हो गया है। तो अभी रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं शूट के लिए। बस डांट ही ना भैया, अब डर लग रही है। तो चलते हैं शूट की लोकेशन से, जहाँ भी है मुझे नहीं पता कौन है। तो अभी हम लोग हैं घोड़ा खाल में, और यहाँ से हमारी शूट की लोकेशन पता नहीं कहाँ है, हमने वहाँ जाना है। धूप लग रही है तो मैंने ऐसे देखा हुआ, पता है मेरा फेस बहुत चमक रहा है, अच्छा लग रहा है, मेकअप किया है ना तो चमक रहा है, वही चमक रहा है, मतलब फ़ोन पे ज़्यादा चमक रहा है। भैया लोगों को यहाँ लोकेशन पसंद नहीं आई, तो वो लोग दूसरी जगह ले जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे चल रहा था मेरा और अंकित का शूट, और इसमें मैंने वॉइस नहीं डाली है, क्योंकि फिर सॉन्ग पहले रिवील हो जाएगा, इसलिए बस थोड़ा सा मैंने पिंकी जी से वीडियो बनवाई थी, और मैंने ये बस दिखाने के लिए कि शूट हम लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा एक शॉट पूरा हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर, शायद हम लोग 7 ताल भी जाने वाले हैं। तो बाकी धूप से चेहरा पूरा काला हो गया मेरा, धूप के चक्कर से सारा, ठंडे के दिन यार एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 3-4 बार एक एक चीज़ करनी पड़ती है, तो इसलिए। और सुबह से बाकी मेरा मूड भी ख़राब है वो गाड़ी वाले की वजह से, तो इस वजह से स्माइल ही नहीं आ रही है फेस पे, धूप चमक रहा है बहुत ज़्यादा, और रेड भी हो गया है फेस थोड़ा थोड़ा यहाँ यहाँ पे, ये तो धूप की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा धूप तेज़ पड़ रही है ना, तो इस वजह से लग रहा है। हाँ, ये गाड़ी इतनी गर्म हो रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ऐसे भुप भुप का रहा, पता है ये वाला शीशा, इधर वाला शीशा भी खुला था फिर भी आ रहा है। गाड़ी मोड़ दी। चलो अंकित, हेलो बोल दो फिर। हेलो गाइस, तो दीपक दा के मैं कहना चाहूंगा अभी गाड़ी बैक करने का थोड़ा सा चैलेंज तो नहीं बोलेंगे, बट मैं देख रहा था, दोनों को ऑब्जेक्ट कर रहा था, तो दादा ने जो हमारे भैया है आशु भैया, उन्होंने चंडीगढ़ से, वैसे तो पहाड़ी है चंडीगढ़ में, दिल्ली से यहाँ है, तो उन्होंने 2 बार में गाड़ी मोड़ी, 2 या 3 4 3 में मोड़ी, दाने एक बार में मुड़ी, बट ये सब कह रहे हैं बस बस, तो ये दा किसने, कह रहे कौन सब सब कह रहे हैं बस बस। हाँ। तो दा को लगा, दीपक दा को लगा कि हमें भरोसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर देख के बस बस कह रहा था, जो वो लाल वाली डंडी होती है पूरी पीछे आ चुकी थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम सब गलत हुआ, और वो प्रो ड्राइवर हुए, एक बार दिखा दीजिए एक बार कैसे गाड़ी इतनी परफेक्ट चलाते हैं, इट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, पिछली वाली वीडियो में अंकित के लिए इतने कमेंट आए थे कि अंकित जी बड़े ही बिंदास हैं, बड़े ही मतलब खुश मिजाज हैं करके, लड़की बात है, बट गाइस नहीं, बहुत कमेंट आए थे अंकित के लिए, सही में ऐसा भी कमेंट था भाई उसमें, अंकित भाई बड़े मजेदार हैं बोल रहे थे, ऐसा कमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि दिल लगाया एक से ना ही अनेक से। हम लोग हाँ रख दो, अभी फिर उसमें करना पड़ेगा ना, तो अभी हम अगले टेक के लिए रेडी हो गए, और इस बार मैंने बाल ऐसे बना लिए हैं,
जो कि यहाँ पे से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अब चलते हैं अगली लोकेशन पर, फिर उसके बाद लास्ट है। एक बार साड़ी पहन रही है, एक दो शॉर्ट उसमें भी हैं, बाकी फिर हो गया हमारा, ख़त्म हो गया। और मेरा बैग देखो कितना भर गया, बहुत भयंकर वाला। तो चलते हैं और फिर अपनी अगली लोकेशन पे चलते हैं। काश मुझे ऐसा लगता काली बा मंदिर ले चलते, इधर पे घोड़ाखाल मंदिर है ना, तो ये वाली जो लोकेशन है वो है घोड़ाखाल। चलो दरवाजा खोलो। ये वाली लोकेशन जो है वो है घोड़ाखाल। तो इस बार मैं सोचूं काश मंदिर ले चलते, लेकिन ऐसा होगा नहीं पॉसिबल, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है ना। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं घोड़ाखाल पे, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसके बारे में रेस्टोरेंट वाले भैया ही बताएंगे, जिनका है मतलब ये। लेकिन उनसे पहले मैं बताना चाहूंगा, गाइस नमस्कार, सभी को प्रणाम, पहला और मैं बताना चाहूंगा कि हम एक रेस्टोरेंट कम और एक रिजॉर्ट, राइट, गेस्ट हाउस उस पर हम पधारे हैं। तो उसका नाम है बाखली, और बहुत ही देखिए नाम से ही पता लगता है कितना अच्छा है। और बाकली हमारे पहले गांव में होती थी, बहुत लंबी चौड़ी, उसमें लोग बैठते थे और बहुत बातें करते थे। तो कहीं ना कहीं कि उस टाइम से जुड़ा हुआ नाम इस गेस्ट हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, गेस्ट हाउस का बाकली, और जरूर आए एक बार। एड्रेस भाई बताएगा, एड्रेस है घोड़ाखाल मंदिर के पास, और बाकली इसमें नाम रखा है, जैसे बाकली में सब इकट्ठा रहते हैं, वैसे हम भी ये करना चाहते हैं कि हमारे साथ भी सब इकट्ठा जुड़ के। भाई का बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, तो आप लोग सुविधा है। मैं तो अपने शूटिंग वाले दोस्तों से तो बोलूँगा कि आप लोग आओ, और यहाँ पर रहने खाने की सभी की अच्छी व्यवस्था है, और आप लोग रह सकते हो, अच्छे शूट कर सकते हो, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, घोड़ाखाल मंदिर। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा व्यवहार है। आज का सॉन्ग जो है हमारा, आज का जो सॉन्ग है हमारा वो है वो है, हाँ वो है जी, वही है जो आप कह रहे हो जी। आज का जो गाना है बहुत ही अच्छा, जितेंद्र भाई ने गाना गाया, बहुत खतरनाक गाना है, वो आते ही सीधा आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। और गाने का नाम है जीतू भाई ने गाना गाया, दिल से गाया, बहुत बढ़िया गाना गाया जीतू ने, जीतू भाई जी ने हमारे गाना गाया, जीतू दा ने हमारे गाना गाया। तो वो है गाना वन एंड ओनली, झूठ बोल रही है गाइस, मजाक सर के, मैंने तुम हंसाने के लिए कहा था, ओ धना तेरी गोरा गालू मैं कालो तिल, ओ धना तेरी गोरा गालू मैं कालो तिल। जी तो भाई, बाय बाय। तो हमारी अगली शूट की लोकेशन है ये घोड़ाखाल से थोड़ा ही आगे है, मतलब हम घोड़ाखाल से थोड़ा आगे आए, और यहाँ से पीछे का व्यू दिखाओ, इतना सुंदर दिख रहा है। जब हम वहाँ थे ना, तो वहाँ से भीमताल दिखाया था ना मैंने, यहाँ से भी दिख रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है कुछ ऐसा लोकेशन, मतलब पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब चारों तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी कुछ लोग झूला खेल रहे हैं, बाकी सेटअप ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैग वैग सारी चीज़ें, अंकित होने गया है रेडी, और जब फिर अंकित रेडी हो जाएगा तो फिर हमारा अगला शूट स्टार्ट करेंगे, और फिर गाना ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज लास्ट है ये एक गाना, जो हमने जो पिछला शूट हुआ था ना, तो उसमें थोड़ा सा बच गया था, तो इसलिए ये वाला शूट आज मतलब हम लोग पूरा कर लेंगे। अंकित जी भी रेडी हो करके आ गए, बैग वैग ले करके तैयार, मेकअप वेकअप ठीक हो रहा अंकित? Yeah, good. Good. लोकेशन लोकेशन कैसी लगी तुम्हें? लोकेशन तगड़ी है यार, मजा आ गया। यहाँ कौन देखा था अभी तक? ये तो मैंने देखा ही नहीं। सही लग रहा ना? क्या है पता नहीं क्या है, इधर से लग रहा है वो जैसे अंतरिक्ष में जहाज नहीं छोड़ते वो, या तो कोई स्कूल या तो कोई कॉलेज ऐसा जैसा लग रहा है ना। ग्राफिक कह रहा है? अच्छा, यहाँ का ग्राफिक कह रहा है, देहरादून का भी है, लेकिन उसमें थोड़ा काम चल ही रहा है ना। सही लग रहा है फिर भी ना, यहाँ पहले भी शूटिंग होती है, मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ। नीचे क्या है रे, नीचे खड़बड़ खड़बड़ हो रही, नीचे क्या है? नीचे हाग रहे हैं, दो बंदे हाग रहे हैं। तुम्हें हगना पाद मारना ये सब क्यों याद आता है? यही चीजें पसंद है अंकित को बस। ये चिटकी सिंदूर की कीमत देख के जाने लग रहा होगा ना। ठीक है, शादीशुदा हो गई मैच, मैं सर की भी ऐसे हाथ है तो ऐसे रखूं जैसे। भाई क्या दोनों ने शादी कर ली क्या?
तो आज का शूट कंप्लीट हो गया है। दीपक भैया कैसा हुआ? बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बवाल शूट। अब जल्दी आपको 30 तारीख को गाना देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं, गाने बहुत सारे गाने हैं, कौन सा वाला आता है पहले, तो देखते हैं। बाकी शूट कंप्लीट हो गया है, सारी टीम बाय बाय कहते सारी टीम, इनका फोटो शूट चल रहा है। ब्लॉग बनाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है, खासकर जब तुम फोटो खिंचा रहे होगे तब तो बहुत जरूरी है। बड़े आए तो हम जा रहे हैं चेंज करने, उसके बाद एंड देखो मेरा मेकअप का डब्बा, इसमें जब मैं इसको खोलती हूँ इसमें दिखता कुछ भी नहीं है। हेलो 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 बोल दे, नाम क्या है आपका? नाम मुकुल, बाय मुकुल। कर रहा है वो, इसको जब मैं खोलती हूँ इसके अंदर कुछ नहीं होता है, और जब पकड़ती हूँ तो इतना भारी हो रहा है, इसमें पता नहीं क्या है ऐसा। तो अब हम चेंज करेंगे और जाएंगे सीधे अल्मोड़ा को। फाइनली गाइज ये शूट पूरा हो गया है, तो हमारे लगभग 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 2 गाने हो गए हैं, तो देखते हैं पहला कौन सा आता है। मेरे ख्याल से पहले धना वाला आएगा, तो वो आपको मैं जब भी आएगा तब आपको देखने को मिल जाएगा मेरी कम्युनिटी पोस्ट में या वैसे। बाकी यहाँ की लोकेशन बहुत सुंदर है, और फिलहाल चेंज करना है और फिर जाना है। लो ये कहाँ करेंगे, वो तो वहाँ लग गया है। आज का शूट कंप्लीट होके पैकअप होके अब हम लोग घर को जा रहे हैं, तो मुझे जब जाना पड़ेगा भवाली, फिर मुझे भवाली से गाड़ी मिलेगी उसके बाद, तो अभी हम लोग निकल गए हैं। बाकी मेरा जो जैकेट है ना वो गाड़ी में ही रह गया, और गाड़ी थोड़ा दूर है तो मैंने फिर ये स्वेटर डाल दिया। तो चलते हैं, और 5 बज गए हैं, पता नहीं गाड़ी, वैसे अल्मोड़ा को गाड़ी चलते रहती है तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्मोड़ा को गाड़ी मिलने में, तो देखते हैं। फिर भी मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, सुबह जो बस वाले ने किया ना पहले हमें 5 बजे से, मैं 6:30 बजे से मैं गाड़ी में बैठी हूँ, और उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार दिया सब, और मुझे ही नहीं जितने पैसेंजर थे सबको उतार दिया गाड़ी से, और दूसरी वाली हल्द्वानी वाली बस में बैठा दिया। तो ये बहुत गलत चीज़ है, जिसके लिए फिर मैंने एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, फिर जिससे फिर मुझे कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे यार बैनी मुझे इनके कॉल आ रहे, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो। लेकिन ये सच में बहुत गलत बात है कि पहले तुम पैसेंजर को गाड़ी में बैठा रहे हो, और मैंने बोला मेरे को भवाली जाना है, तो बोल रहा है अगर हल्द्वानी तक का टिकट दोगे तो ही सीट मिलेगी, नहीं तो ऐसे बैठो या हल्द्वानी वाले बैठेंगे पहले, अगर मैं सीट नहीं मिलती तो मतलब मुझे वो नहीं देते सीट। टोटली बात इतनी थी, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, जिसके लिए मैंने उन लोगों को बोला भी, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें बोला नहीं, मैंने उन्हें बोला भी, तो जो भी हुआ ये मैं बता नहीं पाई अभी पूरे व्लॉग में, तो मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है तो मैं बता देती हूँ। तो सुबह ऐसा हुआ था, इस वजह से मुझे लेट भी हो गई थी। अब सीधे गाड़ी से घर को जाएंगे, अब मिल जाएगी मतलब गाड़ी, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी मिलने की।